सी आई टी एनसीआरटी द्वारा प्रस्तुत है कक्षा छ की इतिहास की ध्वनि पाठ्यपुस्तक हमारे अतीत हमारे अतीत ध्वनि पाठ्यपुस्तक में अब सुनते हैं अध्याय ग्यारह शीर्षक है इमारतें चित्र और किताबें पृष्ठ संख्या एक सौ चौदह इमारतें चित्र तथा किताबें मरुत सामी और लौह स्तंभ मरुत सामी आज बहुत खुश था पहिएदार कुर्सी में बिठाकर उसका भाई उसे कुतुब मीनार दिखाता हुआ प्रसिद्ध लौह स्तंभ के सामने ले आया धूल भरे पथरीले रास्तों से रैंप के सहारे यहां तक आना काफी मुश्किल था अपने इस अनुभव को मरुत सामी कभी नहीं भूल पाएगा इस पृष्ठ पर एक बॉक्स है और जिसका शीर्षक है धातु विज्ञान आइए सुनते हैं यहाँ क्या लिखा है प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिकों ने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया है पुरातात्विक खुदाई ने यह दर्शाया है कि हड़प्पा वासी कुशल शिल्पी थे और उन्हें तांबे के धातु कर्म या धातु शोधन की जानकारी थी उन्होंने तांबे और टिन को मिलाकर कांसा भी बनाया था जहां हड़प्पावासी कांस्य युग से जुड़े थे वहीं उनके उत्तराधिकारी लौह युग से संबद्ध थे भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता था खोटा लोहा पिटवा लोहा और ढलवा लोहा और आइये अब चले पाठ की ओर पाठ से पहले एक स्तंभ का चित्र इस पृष्ठ पर है और इसका शीर्षक है लौह स्तंभ अब पाठ लौह स्तंभ यानी दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर और वजन 3 टन से भी ज्यादा है इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ इसके बनने के समय की जानकारी हमें इस पर खुदे अभिलेख से मिलती है इसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है जो संभवतः गुप्त वंश जिसके बारे में अध्याय दस में हमने पढ़ा के थे आश्चर्य की बात है कि इतने वर्षों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा है ईंटों और पत्थरों की इमारतें हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसी कुछ इमारतों में देखने को मिलते हैं स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के थे कभी गोल या लंबे तो कभी छोटे या बड़े उन सब में एक समानता है प्राय सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता है इन डिब्बों में बुद्ध या उसके अनुयायियों के शरीर के अवशेष जैसे दांत, हड्डी या राख या उनके द्वारा प्रयुक्त तो कोई चीज या कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे रहते हैं पृष्ठ संख्या एक सौ पंद्रह इसे धातु मंजूषा कहते हैं प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था बाद में टीले को ईंटों से ढक दिया गया और बाद के काल में उस गुंबद नुमा ढांचे को तराशे हुए पत्थरों से ढक दिया गया प्रायः स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता था जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था जिसे वेदिका कहते हैं वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे रेलिंग तथा तोरण प्राय मूर्ति कला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे मानचित्र सात जो पृष्ठ संख्या 105 में मिलेगा आप अमरावती ढूंढिए भव्य स्तूप हुआ करता था लगभग दो हजार साल पहले इस तूफ को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए कई बार पहाड़ियों को काटकर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थीं इस तरह की कई गुफाओं को मूर्तियों तथा चित्रों द्वारा सजाया जाता था इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का निर्माण किया गया इन मंदिरों में विष्णु शिव तथा दुर्गा जैसे देवी देवताओं की पूजा होती थी मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था जहां मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता था इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे और भक्त पूजा करते थे अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए भीतर गांव जैसे मंदिरों में उसके ऊपर काफी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था जिसे शिखर कहते थे पृष्ठ संख्या 115 पर दो चित्र हैं इनके बारे पहले सुन लें इसके बाद हम पृष्ठ संख्या 116 में चलेंगे यहाँ दो चित्र हैं एक चित्र में सांची के महान स्तूप का चित्र है और इसके बारे में इस प्रकार से लिखा है सांची का महान स्तूप मध्य प्रदेश इस तरह के स्तूपों का निर्माण कई सौ सालों तक चलता रहा इस स्तूप में ईंटों का प्रयोग संभवतः अशोक जिसके बारे में तुमने अध्याय सात में पढ़ा है के जमाने का है जबकि रेलिंग और प्रवेश द्वार बाद के शासकों के काल में जोड़े गए इसी पृष्ठ में बाईं ओर अमरावती की एक शिल्प कृति है इस चित्र को देखकर इसका वर्णन करो पृष्ठ संख्या 116 सबसे पहले इस पृष्ठ पर तीन चित्र हैं इनके बारे में पहले जानकारी हासिल करते हैं फिर हम पाठ की ओर चलेंगे इस पृष्ठ में बाई और ऊपर एक चित्र है जिसके बारे में वर्णन इस प्रकार से है उत्तर प्रदेश के भीतर गांव का एक आरंभिक मंदिर यह लगभग 1500 साल पहले पकी ईंटों और पत्थरों से बनाया गया था दाई और ऊपर इस पृष्ठ में महाबलीपुरम के एकाश्मिक मंदिर का चित्र है इनमें से प्रत्येक मंदिर एक ही विशाल पहाड़ी को तराशकर बनाया गया है इसलिए इन्हें एकाश्म एक या मोनोलिथ कहा गया है ईटों से बनाए जाने वाले मंदिरों से यह बिल्कुल भिन्न होते थे ईट से बनी इमारतों में नीचे से ईटों की एक एक तह जोड़ते हुए उसे ऊपर की ओर ले जाते हैं जबकि चट्टान तराश कर बनाए जाने वाले मंदिरों को पत्थर काटने वाले ऊपर से नीचे के क्रम में बनाते हैं इन मंदिरों को बनाते समय पत्थर काटने वालों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा इसकी एक सूची बनाओ दाई ओर एक चित्र और है और इसका वर्णन है एहोल का दुर्गा मंदिर यह लगभग 1400 साल पहले बनाया गया था अब आइए पाठ की ओर पृष्ठ संख्या 116। शिखर निर्माण के कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी यह एक सभागार होता था जहां लोग इकट्ठा होते थे मानचित्र पृष्ठ संख्या 105 में है आ, आपको महाबलीपुरम और एहोल नामक स्थानों को ढूंढना है इन शहरों में पत्थरों से बने कुछ उत्कृष्ट मंदिर हैं। उनमें से कुछ इस पृष्ठ पर दिखाए गए हैं पृष्ठ संख्या 117 स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे स्तूपों तथा मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएं आती थीं। इनके लिए काफी धन खर्च होता था इसीलिए रानी ही इन्हें बनवाने का निश्चय करते थे पहला काम अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को खोद कर निकालना होता था फिर मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार कर तय किए गए स्थान पर को पहुंचाना होता था यहां पत्थरों को काट छांट कर तराशने के बाद खंबों दीवारों की चौखटों फर्शों तथा छतों का आकार दिया जाता था इन सब के तैयार हो जाने पर सही जगहों पर उन्हें लगाना मुश्किल का काम था इस पृष्ठ पर कुछ चित्र दिए गए हैं आइए सबसे पहले सुनते हैं इनका वर्णन बाई और इस पृष्ठ पर उड़ीसा के जैन मठ का चित्र है और इसके बारे में इस प्रकार से लिखा है एक पहाड़ी को खोदकर इस दो मंजिली इमारत को बनाया गया है कमरों के प्रवेश द्वारों को ध्यान से देखो इनमें जैन भिक्षु रहते और ध्यान करते थे पृष्ठ संख्या चौदह पर दिए गए चित्र अध्याय दो और यहां दिखाई गई गुफाओं में क्या अंतर है इसी पृष्ठ पर अः पहले पृष्ठ के नीचे एक और चित्र दिया गया है और जिसके बारे में वर्णन इस प्रकार से है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली से एक मूर्ति का चित्र क्या तुम यहां देख रहे हो कि किस प्रकार गुफाओं की खुदाई की गई होगी और आइए अब सुनते हैं पाठ इस तरह के शानदार ढांचों का निर्माण करने वाले शिल्पकारों को सारा खर्च संभवतः राजा रानी ही देते थे इसके अतिरिक्त इन स्तूपों या मंदिरों में आने वाले भक्त जो उपहार अपने साथ लाते थे उनसे इमारत की सजावट की जाती थी जैसे हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिकों के संघ ने सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार या तोरण को बनाने का खर्च दिया था इसकी सजावट के लिए पैसे देने वालों में व्यापारी कृषक माला बनाने वाले इत्र बनाने वाले सोनार लुहार तथा ऐसे कई स्त्री पुरुष शामिल थे जिनके नाम खंभों, रेलिंगों तथा दीवारों पर खुदे हैं इसलिए जब तुम इन स्थानों को देखने जाओ तो याद रखना कि कितने सारे लोगों ने इन्हें बनाने और सजाने में अपना योगदान दिया था पृष्ठ संख्या एक अब तुम्हारे लिए कुछ करने को अध्याय आठ के पृष्ठ तिरासी पर दिए गए चित्र की तरह तुम भी मंदिरों तथा स्तूपों के निर्माण के दौरान आने वाले विभिन्न चरणों का चित्र बनाओ इससे पहले कि पाठ में चले इस पृष्ठ में दो चित्र दिए गए हैं सबसे पहला चित्र है अजंता का चित्र और इसमें आपके लिए कुछ करने के लिए काम है और वो काम है कि तुम्हें इनमें से प्रत्येक चित्र में जो दिखता है उसका वर्णन करो और अब पाठ चित्रकला मानचित्र सात में अजंता को ढूंढो यह वह जगह है जहां के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई इनमें से ज्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के बनाए गए विहार थे इनमें से कुछ को चित्रों के द्वारा सजाया गया था यहां इनके कुछ उदाहरण दिए गए हैं गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मशालों की रोशनी में बनाए जाते थे इन चित्रों के रंग पंद्रह सौ साल बाद भी चमकदार हैं ये रंग पौधों तथा खनिजों से बनाए गए थे इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार अज्ञात हैं पृष्ठ संख्या एक सौ उन्नीस पुस्तकों की दुनिया इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की गई इन उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुषों की वीर गाथाएं तथा देवताओं से जुड़ी कथाएं हैं करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य सिलप्पदिकारम की रचना इलांगो नामक कवि ने की इसमें कोवलन नाम के एक व्यापारी की कहानी है। वह पुहार में रहता था। उसकी पत्नी कनग्गी की उपेक्षा कर वह एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा बाद में वह और कनग्गी पुहार छोड़कर मदुरै चले आए वहां पांड्य राजा के दरबारी जौहरी ने को वलन पर चोरी का झूठा आरोप लगाया जिस पर राजा ने उसे प्राण दंड दे दिया कनग्गी जो अभी भी उससे प्रेम करती थी इस अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई उसने मदुरे शहर का विनाश कर डाला सिलप्पदिकारम से लिया गया एक वर्णन यहां कवि ने कनग्गी के दुख का इस तरह वर्णन किया है ओ मेरा दुख तो देखो तुम मुझे सांत्वना तक नहीं दे सकते क्या यह सही है कि विशुद्ध सोने से भी सुंदर तुम्हारा शरीर बिना धुला हुआ धूल से सना यूं ही पड़ा है यह कहां का न्याय है कि गोधूली की इस स्वर्णिम आभा में फूलमाला से ढके सुंदर वक्ष वाले तुम जमीन पर गिरे पड़े हो मैं अकेली असहाय और हताश होकर खड़ी हूं क्या ईश्वर नहीं है क्या इस देश में ईश्वर नहीं है पर क्या उस स्थान पर ईश्वर रह सकते हैं जहां राजा की तलवार निर्दोष नवागंतुक के प्राण ले लेती है क्या ईश्वर नहीं है नहीं है एक और तमिल महाकाव्य मेखलई को करीब चौदह सौ साल पहले सत्यनार द्वारा लिखा गया था इसमें कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है ये रचनाएं कई सदियों पहले ही खो गई थी उनकी पांडुलिपियां दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली अन्य लेखक जैसे कालिदास, जिनके बारे में तुमने अध्याय 10 में पढ़ा है संस्कृत में लिखते थे पृष्ठ संख्या 120। इस पृष्ठ पर सबसे पहले एक बॉक्स और उस बॉक्स का शीर्षक है मेघदूत का एक श्लोक आइए सुनते हैं मेघ दूत का एक श्लोक यहां उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना मेघ दूत से एक अंश दिया गया है यहां एक विरही प्रेमी बरसात के बादल को अपना संदेशवाहक बनाने की कल्पना करता है देखो इसमें किस तरह कवि ने बादलों को उत्तर की ओर ले जाती ठंडी हवा का वर्णन किया है वर्णन इस प्रकार से है तुम्हारी बौछारों से मुलायम हो उठी मिट्टी की भीनी खुशबू से भरे हाथियों की सांस में बसी जंगली गूलर को पकाने वाली शीतल बयार तुम्हारे साथ धीरे धीरे बहेगी क्या तुम्हें लगता है कि कालिदास को प्रकृति प्रेमी कहा जा सकता है अब पाठ पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियां जो बहुत पहले से प्रचलित थीं इसी काल में लिखी गईं इनमें पुराण भी शामिल हैं। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन पुराणों में विष्णु शिव दुर्गा या पार्वती जैसे देवी देवताओं से जुड़ी कहानियां हैं इनमें इन देवी देवताओं की पूजा की विधियां दी गई हैं इसके अतिरिक्त इनमें संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियां हैं अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं जिससे सब उन्हें सुन और समझ सकें स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे भी इसे सुन सकते थे पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे जिसे लोग सुनने आते थे दो संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे हैं से भी कुछ बच्चे इन कहानियों से परिचित होंगे पृष्ठ संख्या 121 महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी है इस युद्ध का उद्देश्य पुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था यह कहानी तो बहुत ही पुरानी है पर आज इसे हम जिस रूप में जानते हैं यह करीब 1500 साल पहले लिखी गई माना जाता है कि पुराणों और महाभारत दोनों को ही व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया था महाभारत में ही भगवत गीता भी है जिसके बारे में तुमने अध्याय नौ में पढ़ा था रामायण की कथा कोसल के राजकुमार राम के बारे में है उनके पिता ने उन्हें वनवास दे दिया था वन में उनकी पत्नी सीता का लंका के राजा रावण ने अपहरण कर लिया था सीता को वापस पाने के लिए राम को लड़ाई लड़नी पड़ी वे विजयी होकर कोसल की राजधानी अयोध्या लौटे महाभारत की तरह ही रामायण भी एक प्राचीन कहानी है जिसे बाद में लिखित रूप दिया गया संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं अब तुम्हारे लिए कुछ करने को इस महाद्वीप के विभिन्न भागों में महाभारत और रामायण के भिन्न भिन्न रूपांतर लोकप्रिय हैं इनके आधार पर नाटक गीत और नृत्य परंपराएं भी उभरी पता करो कि तुम्हारे राज्य में कौन सा रूपांतर प्रचलित है अब पाठ आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियां आम लोग भी कहानियां कहते थे कविताओं और गीतों की रचना करते थे गाने गाते थे नाचते थे और नाटकों को खेलते थे इनमें से कुछ तो इस समय के आसपास जातक और पंचतंत्र की कहानियों के रूप में लिखकर सुरक्षित कर लिए गए जातक कहानियां तो अक्सर स्तूपों की रेडिंगों तथा अजंता के चित्रों में दर्शाई जाती थी इनमें से एक कहानी अगले पृष्ठ पर दी गई है पृष्ठ संख्या एक सौ बाईस तो आइए सुनते हैं बॉक्स में दी गई ये कहानी बंदर राजा की कहानी एक समय बंदरों का एक महान राजा हुआ वह हिमालय पर गंगा के किनारे अपने अस्सी हजार अनुयायियों के साथ रहता था इन सारे बंदरों को एक खास आम के पेड़ के फल बहुत प्रिय थे ये आम बड़े मीठे होते थे इतने स्वादिष्ट आम धरातल पर नहीं उगते थे एक दिन एक पका हुआ आम गंगा नदी में गिरकर बहते बहते वाराणसी पहुंच गया उस वक्त नदी में वहां का राजा नहा रहा था उसे यह आम मिला उसे चखकर वह हैरान रह गया उसने अपने राज्य के जंगलों की देखभाल करने वालों से पूछा कि क्या वे इस आम के पेड़ को ढूंढ सकते हैं या नहीं वे राजा को हिमालय की पहाड़ी पर ले गए वहां राजा तथा उसके दरबारियों ने खूब आम खाए रात में राजा ने देखा कि बंदर भी पके आमों का मजा ले रहे हैं राजा को यह बात बुरी लगी और उसने उन्हें मार डालने का फैसला किया बंदरों के राजा ने अपनी प्रजा को बचाने की एक योजना बनाई उसने आम के पेड़ की टहनियों को तोड़कर उन्हें आपस में बांधकर नदी पर एक पुल बनाया इसके एक छोर को वह तब तक पकड़े रहा जब तक उसकी सारी प्रजा ने नदी को पार न कर लिया पर इस प्रयास से वह इतना थक गया कि मरणासन होकर गिर पड़ा राजा ने जब यह सब देखा तो उसने बंदर राजा को बचाने की बड़ी कोशिश की पर सफल न हुआ बंदर राजा की मृत्यु पर उसे शोक हुआ और राजा ने उसे पूरा सम्मान दिया मध्य भारत में भरहुत के एक स्तूप से मिले एक पत्थर पर उकेरे गए चित्र में इसे दिखाया गया है अब तुम्हारे लिए कुछ करने को क्या तुम बता सकते हो कि इसमें कहानी का कौन सा हिस्सा दिखाया गया है यह हिस्सा क्यों चुना गया होगा ध्यान से इस चित्र को देखो पृष्ठ संख्या 123 विज्ञान की पुस्तकें इसी समय गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टीयम नामक पुस्तक लिखी इसमें उन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी के अपने धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता और डूबता है उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की भी विधि ढूंढ निकाली जो लगभग उतनी ही सही है जितनी की आज प्रयुक्त तो होने वाली विधि वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कर आचार्य कुछ अन्य गणितज्ञ और खगोल थे जिन्होंने कई खोजें की इनके बारे में और पता लगाएं। यहां तीन बॉक्स हैं और इन तीनों बॉक्सों में अलग अलग शीर्षक हैं। पहला शीर्षक है शून्य आइए सुनते हैं अंकों का प्रयोग पहले से होता रहा है पर अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई और तब यूरोप में भी फैल गई आज भी यह पूरी दुनिया में प्रयोग की जाती है रोम के निवासी शून्य का प्रयोग किए बगैर गिनती करते थे उसके बारे में और भी अधिक जानकारी हासिल करने की कोशिश करो दूसरा बॉक्स और इसका शीर्षक है आयुर्वेद आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है जो प्राचीन भारत में विकसित हुई प्राचीन भारत में आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चिकित्सक थे चरक प्रथम द्वितीय शताब्दी ईस्वी और सुश्रुत जो चौथी शताब्दी ईस्वी में हुए चरक द्वारा रचित चरक संहिता औषधि शास्त्र की एक उल्लेखनीय पुस्तक है अपनी रचना सुश्रुत संहिता में सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा की विधियों का विस्तृत वर्णन किया है तीसरा बॉक्स और इसका शीर्षक है अन्यत्र कागज आज हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया है जो किताबें हम पढ़ते हैं वे कागज पर छपी होती हैं उसी तरह लिखने के लिए भी हम कागज का ही उपयोग करते हैं कागज का आविष्कार करीब 1900 साल पहले काई लून नाम के व्यक्ति ने चीन में किया उसने पौधों के रेशों कपड़ों रस्सियों और पेड़ की छालों को पीट पीट कर लुगदी बनाकर उसे पानी में भिगो दिया फिर उस लुगदी को दबाकर उसका पानी निचोड़ा और तब सुखाकर कागज बनाया आज भी हाथ से कागज बनाने के लिए इसी विधि को अपनाया जाता है कागज बनाने की तकनीक को सदियों तक गुप्त रखा गया करीब 1400 साल पहले यह कोरिया तक पहुंची इसके तुरंत बाद ही यह जापान तक फैल गई करीब 1800 साल पहले यह बगदाद में पहुंची फिर बगदाद से यह यूरोप अफ्रीका और एशिया के अन्य भागों में मिली इस उपमहाद्वीप में भी कागज की जानकारी बगदाद से ही आई जरा सोचो प्राचीन भारत की पांडुलिपियां किस चीज पर तैयार की जाती थी पृष्ठ संख्या 124। इस पृष्ठ में कुछ उपयोगी शब्द दिए गए हैं जिनका प्रयोग इस अध्याय में किया गया है उपयोगी शब्द हैं स्तूप मंदिर चित्रकला महाकाव्य कहानी पुराण गणित विज्ञान इसी पृष्ठ में कुछ महत्वपूर्ण तिथियां भी दी गई हैं, जिन तिथियों का वर्णन इस अध्याय में आया है स्तूप निर्माण की शुरुआत 2300 साल पहले अमरावती 2000 साल पहले कालीदास 1600 सो साल पहले लौह स्तंभ भीतर गांव का मंदिर अजंता की चित्रकारी आर्यभट्ट 1500 साल पहले दुर्गा मंदिर 1400 साल पहले आओ याद करें एक यहां पर दो कॉलम दिए गए हैं पहले कॉलम में कुछ शब्द हैं और दूसरे कॉलम में उनका उपयोग दिया हुआ है अब आपको कॉलम एक और दो का मिलान करना है सबसे पहले कॉलम एक स्तूप शिखर मंडप गर्भगृह प्रदक्षिणा पथ और अब उनका उपयोग आपको इसके पहले कॉलम से मेल कराना है देवी देवता की मूर्ति स्थापित करने की जगह टीला स्तूप के चारों तरफ वृत्ताकार पथ मंदिर में लोगों के इकट्ठा होने की जगह गर्भगृह के ऊपर लंबाई में निर्माण दो खाली जगहों को भरो क खालिस्तान एक बड़े गणितज्ञ थे खालिस्तान में देवी देवताओं की कहानियां मिलती हैं गालिस्तान को संस्कृत रामायण का लेखक माना जाता है खालिस्तान और खालिस्थान दो तमिल महाकाव्य हैं पृष्ठ संख्या 125। आओ चर्चा करें तीन धातुओं के प्रयोग पर जिन अध्यायों में चर्चा हुई है उनकी सूची बनाओ धातु से बनी किन किन चीजों के बारे में चर्चा हुई है या उन्हें दिखाया गया है चार पृष्ठ संख्या 122 पर लिखी कहानी को पढ़ो जिन राजाओं के बारे में तुमने अध्याय पांच और दस में पढ़ा है उनसे यह बंदर राजा कैसे भिन्न या समान था पांच और भी जानकारी इकट्ठी कर किसी महाकाव्य से एक कहानी सुनाओ आओ करके देखें छे इमारतों तथा स्मारकों को अन्य प्रकार से सक्षम व्यक्तियों या विकलांग के लिए और अधिक प्रवेश योग्य कैसे बनाया जाए इसके लिए सुझावों की एक सूची बनाओ सात कागज के अधिक से अधिक उपयोगों की एक सूची बनाओ आठ इस अध्याय में बताए गए स्थानों में से तुम्हें किसी एक को देखने का मौका मिले तो तुम किसे चुनोगे और क्यों पृष्ठ संख्या 126 तिथियों पर एक नजर इस पूरी पुस्तक में हमने 2000 को शुरुआती बिंदु के रूप में रखकर घटनाओं या प्रक्रियाओं के होने की अनुमानित तिथियों की जानकारी दी है पर अन्य पुस्तकें जो तुम पढ़ते होगे, उनमें तिथियां अलग तरह से लिखी होंगी इस पुस्तक में इन तिथियों के पहले करीब या लगभग लिखा गया है जैसे कि पूरा पाषाण युग अध्याय दो के लिए तिथियां लाखों वर्ष पहले के रूप में लिखी गई हैं मेहरगढ़ अध्याय दो में कृषि तथा पशुपालन की शुरुआत की तिथि लगभग 6000 हजार ईसवी पूर्व दी गई है हड़प्पा के नगरों का विकास लगभग 2700 से 1900 सौ ईसा पूर्व के बीच दी गई है ऋग्वेद की रचना का काल लगभग 1500 से 1000 हजार ईसा पूर्व के बीच दिया गया है महाजनपदों तथा गंगा के मैदानी इलाकों में नगरों का विकास तथा उपनिषद जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म से जुड़े विचारों का उदय लगभग 500 सौ ईस्वी पूर्व पश्चिमोत्तर में सिकंदर का आक्रमण लगभग 327 से 325 सौ ईस्वी पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य का राजा बनना लगभग 321 सौ ईस्वी पूर्व अशोक का शासनकाल लगभग दो से दो हजार ईसवी पूर्व से दो हजार ईस्वी पूर्व के बीच संगम साहित्य की रचना लगभग 300 सौ ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी कनिष्क का शासन लगभग 78 से 100 ईस्वी गुप्त साम्राज्य की स्थापना लगभग 320 ईस्वी वल्लभी की परिषद में जैन साहित्य का संकलन लगभग 512 से 521 सौ ईस्वी हर्षवर्धन का शासन 606 से छह सौ ईस्वी चीनी यात्री श्वेन सांग का भारत आगमन 630 से छ सौ ईस्वी पुलकेशिन द्वितीय का शासन 609 से छ सौ ईसवी कुछ घटनाओं के लिए जैसे कि अशोक के शासन की शुरुआत की तिथि के रूप में तुम्हें एक से अधिक तिथियां देखने को मिल सकती हैं ऐसा इसलिए है कि इतिहासकार इस बात पर एक मत नहीं हो पाए हैं कि सही तिथि क्या है प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ दी गई तिथियां इस बात का संकेत करती हैं कि यह तिथियां निश्चित नहीं है पृष्ठ संख्या एक में भारत का मानचित्र दिया गया है और इसका शीर्षक है भारत का राजनीतिक मानचित्र अभी आप सुन रहे थे कक्षा छह की इतिहास की पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत का ग्यारहवा अध्याय शीर्षक था इमारतें चित्र और किताबें निर्माण सहयोग शानु मुक्सीम वाचन स्वर और निर्माण अजीत होरो तथा प्रस्तुति सी आई ई टी एन टी नई दिल्ली भारत